नमस्कार दोस्तों, अभी मैं आपको दिखाऊंगा NSDL पेमेंट बैंक के बारे में। वहाँ पर कैसा इंटरेस्ट रेट रहेगा और कैसा रेट एंड चार्जेस रहेगा उसके बारे में मैं दिखाऊंगा। तो अकाउंट खोलने से पहले आप उस रेट एंड चार्जेस के देख लीजिए और मिनिमम बैलेंस को देख लीजिए। उसके बाद आप NSDL पेमेंट बैंक को अकाउंट खोलना है तो आप एंड्रॉयड मोबाइल में प्ले स्टोर में जाके NSDL जीफी एप्स को डाउनलोड करके आप अकाउंट खोल के ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रेट एंड चार्जेस को दिखाऊंगा। तो आपने ब्राउज़र में nsdlbank.com टाइप करके आप इस वेबसाइट पर जाके देख सकता है। NSDL पेमेंट बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट को आप देख सकते हैं। ऐसा खुलेगा पहले, तो आप इसको देख सकता है। NSDL फ्री डेबिट कार्ड देता है और दो टाइप का फ्री डेबिट कार्ड देता है, वीज़ा क्लासिक देता है और प्लेटिनम रुपये प्लेटिनम देता है फ्री में। तो या कॉन्टेक्ट अस पर कस्टमर केयर को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और जीमेल भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम उसको रेट एंड चार्जेस को जानने के लिए सबसे पहले हम यहाँ प्रोडक्ट पर जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर जीफी सेविंग अकाउंट दिखा रहा है, यहाँ पर फ्यू प्रोडक्ट पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यह सेविंग्स अकाउंट क्लासिक सेविंग अकाउंट पर हम इसका फीचर्स को देखेंगे। इसका फीचर्स है मंथली एवरेज बैलेंस 10,000, मतलब 10,000 मंथली एवरेज बैलेंस रखना है और इंटरेस्ट रेट का 4% पर एनम। ये है इसका दो फीचर्स। आपको मिनिमम 10,000 मेंटेन करना है पड़ेगा एवरी मंथ। इंटरेस्ट रेट 4% रहेगा और यहाँ पर आप 2 लाख तक का क्रेडिट कर सकता है एनुअली। और बाकी सब ये डेबिट कार्ड फ्री रहेगा 2 साल के लिए और टाइमली बिल पेमेंट करना पड़ेगा और फ्री मोबाइल बैंकिंग सर्विस रहेगा और अकाउंट आप इंस्टेंटली एक्टिव ऑनलाइन से ही कर सकता है। उसके बाद हम प्रीमियम सेविंग अकाउंट को देखेगा। यहाँ पर आप एवरेज मंथली बैलेंस 25,000 और यहाँ पर इंटरेस्ट रेट 4% ही रहेगा। यहाँ पर भी टाइम बिल पेमेंट करना पड़ेगा और फ्री एंड डेबिट कार्ड रहेगा यहाँ पर और फ्री ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र रहेगा, इंस्टेंट अकाउंट एक्टिवेशन रहेगा और फ्री मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज रहेगा। उसके बाद BSTB अकाउंट रहेगा, ये इसका की फीचर्स है 4% इंटरेस्ट रेट सेविंग्स अकाउंट के लिए। एंजॉय फ्री डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन पर मंथ रहेगा, मतलब महीने में फ्री डेबिट कार्ड का ट्रांजैक्शन कर सकता है। इसके बाद आप बिल पेमेंट रिचार्ज कर सकता है मोबाइल बैंकिंग के ज़रिए से। उसके बाद फ्री अकाउंट स्टेटमेंट रहेगा, फ्री वीज़ा डेबिट कार्ड रहेगा और फ्री ईमेल स्टेटमेंट पर मंथ रहेगा। उसके बाद आप यहाँ पर करेंट अकाउंट को देख सकता है। करेंट अकाउंट मिनिमम 50,000 पर मंथ एवरेज बैलेंस रहना पड़ेगा और कॉरपोरेट इंटरनेट बैंकिंग पर यह 24/7 ऑनलाइन रहेगा और यहाँ पर NEFT कर सकता है फ्री में और डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र आप देख सकता है। यहाँ पर की फीचर्स में सेफ एंड सिक्योर क्विक ट्रांजैक्शन होगा, नॉमिनल कस्टमर फी रहेगा, 1% ट्रांजैक्शन वैल्यू इंक्लूडिंग GST रहेगा और बिजनेस कोरेस्पोंडेंट नियर बाई रहेगा और असिस्टेंट फंड ट्रांसफ़र रहेगा IMPS NEFT के ज़रिए से।
ये अवेलेबल रहेगा 24x7 इंटू 365 रहेगा, इंस्टेंट नोटिफिकेशन रहेगा। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर रेट एंड चार्जेस के बारे में। पहले हम देखेंगे बेसिक सर्विस एंड चार्जेस। आपको मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस 10,000, ये क्लासिक सेविंग्स अकाउंट के लिए है ये, और 4% रहेगा पर एनम। और यहाँ पर चार्जेस रहेगा 5% नॉन मेंटेनेंस पर मंथ एवरेज बैलेंस रहेगा। इनिशियल डिपॉजिट 10,000, मतलब अकाउंट खोलते ही आपको 10,000 डिपॉजिट करना है, ये रहेगा। उसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन रेमिटेंस रहेगा, IMPS, NEFT, RTGS फ्री रहेगा। उसके बाद आउटवर्ड रहेगा, ये इंट्रा विड्रॉल अकाउंट फ्री रहेगा। और यहाँ पर आप खुद देख सकता है IMPS का फीस, NEFT का फीस और RTGS का फीस। आप खुद वीडियो को पॉज करके देख सकता है, मतलब ये नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगा। और ऑफलाइन रेमिटेंस रहेगा, यहाँ पर कैश डिपॉजिट फ्री अप टू इंस्टेंट पर मंथ यहाँ पर रहेगा। 2 बार पर मंथ फ्री में कैश डिपॉजिट कर सकता है। उसके बाद आप बियॉन्ड फ्री लिमिट ₹3 पर 1,000 प्लस GST, आपको मिनिमम 150 प्लस GST आपको देना पड़ेगा। विड्रॉल नॉट एप्लीकेबल, फंड ट्रांसफर नॉट एप्लीकेबल। और डेबिट कार्ड को आप देख सकते हैं यहाँ पर, डेबिट कार्ड डेली। यहाँ पर आप वीज़ा क्लासिक के लिए 25,000 और रुपये प्लेटिनम के लिए 50,000 डेली। ई कॉम लिमिट, मतलब ई कॉमर्स में आप डेली 25,000 लिमिट तक यूज़ कर सकते हैं वीज़ा क्लासिक के लिए, और रुपये प्लेटिनम के लिए ई कॉमर्स में 50,000 तक आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड मिलेगा। और यहाँ पर आपको वीज़ा क्लासिक के लिए इश्योरेंस फी रहेगा 300 रुपीज़ प्लस GST। रुपये प्लेटिनम के लिए 500 प्लस GST। एनुअल फी रहेगा आफ्टर 2 ईयर यहाँ पर रहेगा 300 प्लस GST, ये वीज़ा क्लासिक के लिए। और रुपये प्लेटिनम के लिए 500 प्लस GST रहेगा। रिप्लेसमेंट फी रहेगा 300 प्लस GST रहेगा वीज़ा क्लासिक के लिए, और रुपये प्लेटिनम के लिए 500 प्लस GST रहेगा। और यहाँ पर डेली विड्रॉल लिमिट है वीज़ा क्लासिक के लिए 20,000 और रुपये प्लेटिनम के लिए 30,000 डेली। पोस्ट लिमिट, ये ऑनलाइन पोस्ट के लिमिट है ये वीज़ा क्लासिक के लिए, ये रुपये प्लेटिनम के लिए। तो ATM ट्रांजेक्शन पर मंथ, मेट्रो में आपको अप टू 3 ट्रांजेक्शन और नॉन मेट्रो में अप टू 5 ट्रांजेक्शन कर सकता है। और यहाँ पर ATM चार्जेस बियॉन्ड फ्री लिमिट, यहाँ पर आप फाइनेंशियल में ₹20 प्लस GST रहेगा, और नॉन फाइनेंशियल में ₹8 प्लस GST रहेगा। और ATM डेक्लाइन फॉर इनसफिशेंट बैलेंस में आपको 25 प्लस GST रहेगा। तो जनरल चार्जेस यहाँ पर आप देख सकता है। ईमेल स्टेटमेंट फ्री रहेगा, फिजिकल स्टेटमेंट यहाँ पर ₹100 प्लस GST पर रिक्वेस्ट, ये सब रहेगा। और ECS रहेगा, रिटर्न और रिजेक्ट, ₹500 प्लस GST रहेगा। इंटरेस्ट बैलेंस TDS सर्टिफिकेट यहाँ पर डिजिटल फ्री होगा, और सब कुछ यहाँ पर आप खुद देख सकता है।
एसएमएस अलर्ट 5 रहेगा, और अकाउंट क्लोजर अगर आप अकाउंट क्लोज करना चाहते हैं तो 500 देकर और प्लस जीएसटी देकर आप अकाउंट क्लोज कर सकता है। तो अब हम देखेंगे प्रीमियम सेविंग्स अकाउंट को। प्रीमियम सेविंग्स अकाउंट में हम देखेंगे बेसिक चार्जेस में आपको मिनिमम एवरेज मंथली बैलेंस 25,000 पर मंथ रखना पड़ेगा। मैक्सिमम डेली बैलेंस 1 लाख होगा। 4% पर एनम इंटरेस्ट रेट रहेगा। और यहाँ पर भी नॉन मेंटेनेंस बैलेंस में 5% और प्लस जीएसटी प्लस 100 प्लस यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं इनिशियल डिपॉजिट आपको अकाउंट खुलते ही 25,000 रुपीस डिपॉजिट करना पड़ेगा। उसके बाद ऑनलाइन रेमिटेंस पर आप यहाँ पर फ्री देखने को मिल रहा है सभी को। और यहाँ पर ऑफलाइन रेमिटेंस या कैश डिपॉजिट अप टू 4 पर ट्रांजेक्शन। और यहाँ पर आप खुद देख सकता है कहाँ कितना फ्री है। और डेबिट कार्ड आप रुपये प्लेटिनम में आपको 50,000 मिलेगा और वीजा क्लासिक के लिए 25,000 ये रहेगा। और यह एनुअल फी बिल्कुल फ्री रहेगा, इश्योरेंस फी फ्री रहेगा। और फिजिकल डेबिट कार्ड यहाँ पर आप खुद देख सकता है, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ये तो ये सब चार्जेस रहेगा आपके अकाउंट से। और यह जनरल चार्ज यह अकाउंट स्टेटमेंट के लिए फ्री रहेगा। ईमेल स्टेटमेंट फिजिकल स्टेटमेंट यह 100+ जीएसटी रहेगा। तो यह पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ईसीएस के लिए फ्री रहेगा सब कुछ। और रिटर्न और रेजे के लिए आपको ₹500 प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। या इंटरेस्ट बैलेंस स्टडी सर्टिफिकेट यहाँ पर डिजिटल फ्री होगा। फिजिकल या 50 रुपीज़ होगा प्लस जीएसटी टीडीएस सर्टिफिकेट फ्री होगा। तो अकाउंट क्लोजर यहाँ पर 500 प्लस जीएसटी होगा। आप अकाउंट क्लोज करना चाहते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल ओनली इफ द अकाउंट इज क्लोज 14 डेज के बाद बिफोर 12 मंथ ऑफ अकाउंट ओपनिंग। या मतलब अकाउंट खुलने के बाद आप 14 डेज के बाद आप इस अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं, और वो भी 12 मंथ के पहले इसको आप अकाउंट क्लोज कर सकते हैं 500 प्लस जीएसटी दे के। और अब हम देखेंगे डीएसबीटी को। तो यहाँ पर कोई कुछ नहीं दिखा रहा है, तो करेंट अकाउंट को हम देखेंगे। करेंट अकाउंट मिनिमम बेसिक सर्विस चार्जेस मिनिमम एवरेज बैलेंस 50,000, मैक्सिमम बैलेंस 90,000। यहाँ पर स्वे फैसिलिटी फ्री रहेगा। बैलेंस नॉन मेंटेनेंस यहाँ पर आपको 1,000 प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। इनिशियल डिपॉजिट आपको 50,000 डिपॉजिट करना पड़ेगा। और ऑनलाइन रेमिटेंस पर आईएमपीएस एनईएफटी फ्री रहेगा। इंट्रा बैंक विड्रॉल एनएसडीएल अकाउंट ये फ्री रहेगा। आईएमपीएस यहाँ पर चार्जेस आपको देख रहा है, एनईएफटी पर भी आप देख रहा है यहाँ कितना चार्जेस है, ये आप खुद ही वीडियो को पॉज करके देख सकता है। और यहाँ पर ऑफलाइन रेमिटेंस के यहाँ पर आप देख सकता है कहाँ कितना चार्जेस है, आप खुद देख सकता है वीडियो को पोस्ट करके, नहीं तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। और डेबिट कार्ड को आप देख सकते हैं या वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलेगा यहाँ पर, मतलब रुपये प्लेटिनम मिलेगा। यहाँ पर एनुअल फी फ्री रहेगा और डेली
ईकॉम लिमिट 50,000 रहेगा, फिजिकल डेबिट कार्ड ये एसवीएनस 300 प्लस जीएसटी रहेगा, एनुअल फी आफ्टर 2 ईयर या 300 प्लस जीएसटी रहेगा, रिप्लेसमेंट 300 प्लस जीएसटी, डेली विड्रॉल 30,000 तक है एंड डेली पोस्ट लिमिट 90,000 तक है। तो यहाँ पर एटीएम चार्जेस भी ऑन फ्री लिमिट, यहाँ पर आप 20 रुपीज़ प्लस जीएसटी नॉन फाइनेंशियल के लिए 8 रुपीज़ प्लस जीएसटी, एटीएम डिक्लाइन इनसफिशिएंट फंड यहाँ पर 25 रुपीज़ प्लस जीएसटी, यहाँ पर जनरल चार्जेस अकाउंट स्टेटमेंट ईमेल स्टेटमेंट यहाँ पर फ्री है, फिजिकल स्टेटमेंट यहाँ पर 200 प्लस जीएसटी, यहाँ पर सेटिंग अप स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन ब्रांच यहाँ पर 100 प्लस जीएसटी, यहाँ पर एसआई रेजेक फ्री है। तो आप ये सब कुछ खुद वीडियो को पोस्ट करके देख सकते हैं। मिसलेनियस बैलेंस कंफर्मेशन सर्टिफिकेट 100 प्लस जीएसटी रहेगा, और यहाँ पर अकाउंट क्लोजर यहाँ पर 750 रुपीज़ रहेगा और प्लस जीएसटी भी रहेगा, और सिग्नेचर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट फोटो एटेस्टेशन आपको यहाँ पर 100 रुपीज़ प्लस जीएसटी पर रिक्वेस्ट देना पड़ेगा। और इस अकाउंट को आप सेविंग्स की तरह है 14 डेज के बाद क्लोज कर सकता है, और 12 मंथ के पहले आप क्लोज कर सकते हैं, वो भी 750 रुपीज़ प्लस जीएसटी देकर आप इस अकाउंट को क्लोज कर सकता है। तो डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र यहाँ पर कुछ चार्जेस नहीं दिखाया है, ये सिर्फ किफिशर से दिया है। तो ये था NSDL पेमेंट बैंक के बारे में। तो आप इस बैंक अकाउंट को खोलना चाहते हैं तो आप मोबाइल में प्ले स्टोर में जाकर NSDL जिफी टाइप करके आपको इनिशियल पेमेंट बैंक का एप्स मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड करके आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, और आप इसके बाद UPI भी कर सकते हैं। इस UPI के ज़रिए से आप पेमेंट भी ले सकते हैं और दे भी सकते हैं। तो यहाँ पर आप डाउनलोड NSDL JP टू ओपन योर सेविंग अकाउंट पर देखें, यहाँ पर आप स्कैन QR कोड को स्कैन करके आप यहाँ से भी आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था NSDL पेमेंट बैंक के बारे में जानकारी। तो आपको कुछ भी जानकारी लेने के रह गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप nsdlbank.com पर आके खुद भी चेक कर सकते हैं। इसके साथ आपको इस अकाउंट से आप यहाँ पर आप रिचार्ज कर सकते हैं और बिल पेमेंट भी कर सकते हैं, और ज़ीरो बैलेंस अकाउंट यहाँ पर दिखाया नहीं गया है, यह सिर्फ मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा यह अकाउंट खुलेगा। तो मेरे हिसाब से ये इस अकाउंट से खुलने से अच्छे बैंक में जाके अकाउंट खोलना अच्छा रहेगा। तो ये था आज का मेरे जानकारी। तो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।